बहुत रोती थी। अभी बहुत लगभग एक डेढ़ साल हो गए थे हम नहीं आए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई सोया हुआ है, तो टुकुश यहाँ पे सो रहा है। मैंने जैसे शावर ले लिया है अच्छे से नहा धो के। अभी मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं यहाँ के जस्ट इनके घर के ऑपोजिट पे ही है मॉल, मतलब शॉपिंग मॉल टाइप्स, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा घूमने जा रहे हैं क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। बृष्टि मिष्टि दोनों पड़ रहे हैं, टुकुश सो रहा है, भाभी भी अपना काम कर रही है, और इसलिए मैं भाभी ने ही बोला कि जाओ तुम लोग वहाँ से, कुछ कुछ सामान भी लाना है मम्मी को। मम्मी इतने दिनों में 1.5 साल पे कहीं नहीं निकली है, तो मम्मी को मैं बोली चलो कुछ नहीं होता है, घर से थोड़ा बाहर निकलो मेरे साथ चलो। तो कुछ सोता है तो पूरा घर शांत रहता है। और कल रात को ना हमने आइसक्रीम खाया था इसलिए गला थोड़ा बैठ गया है। चलिए एकदम नज़दीक है, जस्ट निकल के ही गली घूम के नज़दीकी है। मम्मी नहीं आती है, नहीं निकलती है। मैं बोली चलो कुछ सामान लाना है, और भैया सुबह मार्केट गया है तब भाभी बोलना भूल गई, इसलिए मैं बोली चलो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा माँ बेटी का, चलते हैं। इसलिए ये बिस्किट लाइए, बहुत अच्छा था। मम्मी जीरा बिस्कुट का भाल लगे ना, कहते जीरा थकते, तो वही है सर। और टुकुश के लिए और टुकुश की दीदियों के लिए पाओनी पौड़े। और मुझे ना ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगा इससे मैं लाई हूँ मेरे लिए, एक भाभी के लिए फ्रूट बास्केट। हेलो, अरे हमारे क्योंकि वो मक्खी कीड़ा होता है ना, स्पेशली बनाना रहने से घर पे कीड़ा होता है, छोटी थी इस पे और ये काफी बड़ा है, इससे बहुत सारे फूड खा जाएगी। सेम दो लाना था कलर, बट सेम नहीं मिला, एक पिंक था वो उसमें अच्छा लग रहा था, और ये ब्लू, ये ब्लू भी काफी अच्छा लग रहा है, ब्लू एंड व्हाइट। तो किसी और के ऊपर भी रख सकते हैं, जो कीड़ा है वो नहीं आएगा। यही दो लाए और बाकी सब तो वही खाने पीने का सामान। ये तो मैं मेरे खेल लो, और जस्ट घर से निकलते ही मेन रोड क्रॉस करते ही उस तरफ है मोर और इस तरफ है इनका घर। मम्मी अभी आके नहा के कर रही है पूजा खुद का। हमारा जो कोलकाता में जो घर है वहाँ पे तो सिंहासन है ही हम लोगों का, तो यहाँ पे मम्मी गोपाल पूजा करती है, तो गोपाल के साथ बहुत सारे भगवान हैं, तो हमने पूजा की है, तो यहाँ पे जस्ट एक भगवान का मंदिर का सेटअप किया हुआ है। शुरू करते हैं गोपाल भगवान से। गोपाल जी, लड्डू गोपाल हमारे मतलब शुरू से ही है, मैं तो पैदा होने के बाद से ही देख रही हूँ लड्डू गोपाल। ये तो शायद मेरे भैया के भी पहले से है पे है, और यहाँ पे है सरस्वती, क्योंकि हर साल सरस्वती पूजा के दिन हमारे घर पे बड़ा करके सरस्वती पूजा होता है, तो मूर्ति जब नया मूर्ति आता है तो ही पुराने मूर्ति को विसर्जन देते हैं। इधर है शिवलिंग, उधर है लोकनाथ बाबा, उधर है जगन्नाथ, इधर है। और ये जो सरस्वती का फोटो है ना, ये बहुत पहले का है, मतलब हम जब छोटे थे, मम्मी भी बाहर बाहर घूमी है पापा के साथ, तो तब मम्मी इसी सरस्वती के फोटो से पूजा करती थी घर पे। लक्ष्मी भगवान का फोटो, लोखी ठाकुर। और ये है और एक लड्डू गोपाल जो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है। नमो करो ठाकुर के, नमो करो। पुष्को टुकुश को क्यूकम्बर बहुत पसंद है, इसलिए वेट कर रहा है कि कब उसको ये क्यूकम्बर मिले। और हम लोग ऐसे जल शंख भी देते हैं, इसके अंदर पानी भर के इसका भी पूजा करते हैं जल शंख को। घर है ना, इसका जो सीमेंट है वो रेड सीमेंट है, तो इसमें ऐसा आलपोना देके रखी है मेरी भाभी, वो बहुत अच्छा आलपोना देती है भाभी। अभी तो उठ गया है, अभी पैर से घिस घिस के हंगामा कर रहे हैं बृष्टि के साइकिल पे। और ये जो छोटा वाला है ये भी किसी से कम नहीं है। खुश को देखिए, और मिष्टू आज नया फ्रॉक पहनी है।
तो यहाँ पे राइस है और बेगुन भाजा जो घी से मिष्टू का खाना हो गया है। माछेर माथा दिए लाउ घंटो पॉम्पलेट जो कि सरसों और खसखस से बनाया है। सर्षे पोस्तो दिए पॉम्पलेट, लाउ दिए दाल लौकी से दाल और गाठी कोचू मतलब अरबी होता है अरबी की सब्जी, भोला माछ है चौचड़ी, भोला माछ एक तरह का फिश होता है जो वेस्ट बंगाल में मिलता है और उसके साथ है मटन। तो ये है आज पूरा लंच का मेनू है। लंच तो हो गया थोड़ी देर पहले, कुछ अभी खा रहा है क्यों कम्बर। बच्चों के लंच के बाद हमारा लंच भी बहुत पहले हो गया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है ना, बच्चे पार्टी सब गए हैं एसी चला के सोने मतलब ऐसे ही रेस्ट करने। मेरी भाभी ने मम्मी ने दोनों ने मिलके बना के रखा था नाडू, मतलब ऐसा एक कंटेनर हम खा चुके हैं आने के बाद। उसके साथ साथ चीरा मोआ, तो जो पोहा होता है चीरा उससे और नारियल से बनाते हैं चीरा मोआ। तो चीरा मोआ जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है। ब्रेकफास्ट के बाद वो सब तो शूट करना होता ही नहीं है। गुलाब जामुन रसगुल्ला बहुत कुछ किया है और ना मेरी मम्मी आम होता है ना पका आम उससे, और ये ना कच्चा आम होता है ना कच्चा आम से मम्मी ने आम शोत्तो मतलब आम पापड़ बनाया है। मैंने अभी तोड़ा है उसको और ये थोड़ा खट्टा खट्टा मीठा मीठा है क्योंकि ये खट्टा आम से बना है। खाने के लिए है, ले जाने के लिए अलग से है। ये हम लोगों का चल रहा है इवनिंग स्नैक्स और चल रहा है लिट्टी चोखा, सेकने के बाद घी से बना है मतलब घी पे डिप किया हुआ है और उसके साथ है आलू चोखा और उसके साथ है टमाटर की चटनी और ग्रीन चटनी। कि मेरे साथ और एक इंसान खा रहा है सबसे बड़ा टुकुश, टुकुश भी यहाँ पे खा रहा है कुछ अलग अंदाज में। वो जो जलेबी है वो भी केसर वाली जलेबी है। जलेबी और ये पूरा घी में फ्राई किया हुआ जलेबी है ये भैया लेके आया है और इसमें केसर भी मतलब केसर घी वाला जलेबी। आसो एंटी के घुड़े आसो घुड़े बाबा तू कुछ भी सीख क्या है। हेलो और यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है कूलर एसी से भी नहीं हो रहा है खाना पीना इवनिंग स्नैक सब कुछ हो गया है और अभी मेरे साथ बैठी है मेरी माँ। नमस्ते मम्मी। यहाँ पे भैया लोग मेरे भैया मेरा एक ही भैया है तो भैया के साथ यहाँ पे रहती है अपने नाती पोते और बहू और बेटे के साथ। पूना में भी जाती है मेरे पास भी रहती है जा के एक महीना डेढ़ महीना, बट अभी जब से कोविड आया है तब से जाना बंद है। लास्ट ईयर नवंबर पे आए थे यहाँ पे टुकुश जो था वो 6 मंथ्स का था, 6 मंथ्स ना और 6 मंथ्स का था जब टुकुश का अन्नप्राशन हुआ था तब मैं और निष्ठू आए थे दोनों अकेले आए थे तब मेरे साथ मम्मी गई थी पूना और तो वही लास्ट मिलना हुआ था मम्मी के साथ तो वही मम्मी बहुत रोती थी। अभी बहुत लगभग 1-1.5 साल हो गए थे हम नहीं आए तो उनको बहुत मन खराब होता था मेरी वीडियोस देखती थी मेरे हम वीडियो कॉल पे सारा दिन बहुत बार बात करते थे स्पेशली निष्ठू के लिए बार बार करते थे तो रोती थी कब आओगे तुम लोग पता नहीं कभी मिलना होगा कि भी नहीं कोविड ठीक होगा कि भी नहीं। तो चलो इस बार फाइनली मैं थोड़े दिन के लिए भी हूँ तो आई हूँ। कैसा लग रहा है इतना दिन बाद? अच्छी लग रहा है, अच्छी लग रहा है। और मेरी मम्मी को हिंदी बोलना अच्छे से आता है, पहले तो और अच्छे से आता था क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस करते थे तो ट्रांसफरेबल जॉब था। जैसे मैं अनुज के साथ बार बार घूम रही हूँ वैसे मम्मी भी बहुत जगह घूमी है मेरे पापा के साथ, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह पे घूमी है तो मम्मी को इजीली हिंदी बोलना इवन बहुत स्टेट्स के खाना बनाना बहुत कुछ आता था आता है। वेस्ट बंगाल में रह रहे के बहुत अच्छे हिंदी बोलना उतना होता नहीं है किसी के साथ तो थोड़ा बहुत भूल गई है लेकिन पहले बहुत अच्छे से बोलती थी हिंदी। इस वीडियो को भी ये एंड करते हैं और मेरी मम्मी से तो मिलना हो गया है घर के सबसे बड़े सदस्य टुकुश उससे मिलना हो गया है और सबसे छोटे सदस्य मम्मी उससे भी मिलना हो गया है। तो मम्मी तो सारा दिन अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है, अभी सारा दिन उनके साथ ही टाइम पास हो रहा है
तो चलिए आज इस वीडियो को भी ये पेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और उधर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है क्योंकि तीनों बच्चे कुछ मिष्टू को कुछ गेम मिला है नया पजल, वो मैं शेयर करूंगी इसके बाद वाले वीडियो में। आते ही गिफ्ट मिल गया मिष्टू को दो, तो वही गेम अभी निकल के मेरा भैया समझा रहा है दोनों बच्चों को कि कैसे खेलना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।